हाँ, तो मैं ये बोल रहा था ना कि आप लोग टाइगर रिजर्व्स को एक बार याद कर लेंगे, जो 5 टाइगर रिजर्व्स है तमिलनाडु में, ठीक है? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी, डे जी न्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी हैज बीन सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एम्स टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स और बिलीफ्स एंड द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस। तो देखिए, फ्रेटर्निटी, लोग कहते हैं ना कि आप उस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका अपना कुछ कल्चर है, कुछ बिलीफ है, समथिंग। लोग बोलते हैं ना कि ये मतलब फिल्म फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं, ये इस फैटर्निटी से बिलोंग करता है। अच्छा, आपका ये फैटर्निटी है। फैटर्निटी का मतलब क्या होता है? जो एक लंबे समय से एक कन्वेंशन चला आ रहा है, जो आप कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, जो आप एक बिलीफ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं फैटर्निटी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी इस बार 4 फेब को मनाया गया था कि इन सब चीज को, इसके अवेयरनेस को, इसके इंपॉर्टेंस को रेज किया जाए, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। लोग कहते हैं ना कि सर ये फेस्टिवल्स वगैरह होता है, इसमें छुट्टी मिलना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 365 डेज अगर आप काम करते हैं तो यू विल बिकम अ मशीन, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट? कि आप जिस चीज के लिए वर्क कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं, वो सारे अपने कल्चर्स वगैरह सब चीज को भूल जाओगे। सो दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट सोचो, इतना लॉस करके भी एक दिन उसका रेवेन्यू कितना लॉस होता है, स्टिल इस चीज को प्रमोट किया जाता है। गवर्नमेंट का कितना भी रेवेन्यू लॉस हो, उसे मैटर नहीं करता ये सब। तो इस बार का थीम क्या था 2021 का? अ पाथवे टू द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एक पाथवे क्रिएट करना। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी, वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी, इससे रिलेटेड हम लोग आज एमसीक्यू कवर करेंगे। वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 13 फरवरी एवरी ईयर, याद रखना है बस, ये समय कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। वर्ल्ड पल्स डे इज बींग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th of February टू रेज अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस टू सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड हेल्दी डाइट। वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। आप डीपीएसपी में पढ़ेंगे ना कि उससे रिलेटेड कि स्टेट्स का ड्यूटी है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो वहां पे है ना सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, हेल्दी डाइट, तो इन सब चीज रिलेटेड वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था 2021 का थीम क्या था? #LovePulses। 18th edition ऑफ सेफर इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन 9 फरवरी 2021। तो सेफर इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फेब विद एन एम टू प्रोवाइड द सेफ एंड बेटर इंटरनेट। इसका थीम क्या था? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो इस तरीके का जो थीम है ना, ये आप लोग एक बार याद करने के लिए, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज कवर करते हैं। अजय सिंह री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का फिर से किसे प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है? तो अजय सिंह को। बाइजूज बिकेम ग्लोबल पार्टनर ऑफ आईसीसी अंटिल 2023 तक बाइजू जो है वो ग्लोबल पार्टनर बना है आईसीसी का। तो रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज साइंड एड टेक प्लेटफॉर्म बाइजूज। बाइजूज तो आपको पता होगा, बेंगलुरु बेस्ड एजुकेशन एंड लर्निंग ऐप विच इज ओन्ड बाय थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड एज अ ग्लोबल पार्टनर अंटिल 2023। तो आईसीसी का जो भी मैच वगैरह होगा ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि बायजू जिस तरीके को उस चीज को स्पॉन्सरशिप वगैरह सब कर रहा है। पीएम इनॉग्रेट्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स, और ये कहाँ पे हुआ है? तो यू ऑल नो कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? गुलमर्ग। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन गुलमर्ग। द इवेंट इज अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग जम्मू एंड कश्मीर अ हब ऑफ विंटर स्पोर्ट्स। तो इट्स अ हब ऑफ विंटर स्पोर्ट्स। कर्नाटका टू होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020-21। चलिए, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स था, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? तो ये गुलमर्ग में, ठीक है, ये पीएम ने इनॉग्रेट किया था। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2021 का। तो रिसेंटली यूनाइटेड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज अनाउंस दैट कर्नाटका विल बी द होस्ट स्टेट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो KIUG 2021, तो योगासना एंड मलाखम हैज बीन एडेड इन द यूनिवर्सिटी गेम 2021। तो ये अब दो इम्पोर्टेंट गेम है जिसको ऐड किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। इस दोनों का आप नाम याद कर लीजिए, योगासन एंड मलाखम, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके का। देन मनिका बत्रा,
विंस नेशनल टेबल टेनिस टाइटल. मनिका बत्रा हैज रिसेंटली वन हर करियर सेकंड नेशनल टेबल टेनिस टाइटल आफ्टर डिफीटिंग रीत रिसा इन द फाइनल मैच. तो नेशनल टेबल टेनिस टाइटल किसने जीता? मनिका बत्रा ने. यूसुफ पठान अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. यूसुफ पठान ने हर तरीके के फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेट से क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. नोवाक डोजोविक वोन द 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल. रिसेंटली नोवाक डोजोविक डिफीटेड डैनियल मेडवेड टू कैप्चर अ रिकॉर्ड विनिंग 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल इन मेलबर्न. तो आप बार बार देखते होइएगा कि नोवाक डोजोकोविक का नाम आप बार बार देखते होइएगा कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना, या ये बार बार ये इससे रिलेटेड एक न्यूज पूछा जाता है ना कि ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. बहुत बार इनसे रिलेटेड न्यूज कवर किया गया है, बार बार इनका नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो ही इज फ्रॉम सर्बिया. अब सर्बिया आपने पढ़ा ना, तो सर्बिया का कैपिटल क्या है? तो जस्ट टेल मी सर्बिया का कैपिटल. सर्बिया का कैपिटल एज फार एज आई कैन रिकॉल इट्स बेलग्रेड. ठीक है, तो कोई इम्पॉर्टेंट फेमस प्लेयर होता है ना, तो उसका कंट्री आपको जरूर पता होना चाहिए. अभी जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी डायरेक्टर जनरल, उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था ना कि सी बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो इस क्वेश्चन को भी पूछा गया एग्जाम में कि बिलोंग्स टू विच कंट्री. इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये टेनिस प्लेयर फ्रॉम साइबेरिया. वहाँ भी वो हमने कवर किया था वो न्यूज जो मैं आपको उस दिन दिखा रहा था, EPF के पेपर में पूछा गया है. सर्बिया का कैपिटल तो बेलग्रेड, देख लीजिएगा एक बार. देन सम पॉलिटी रिलेटेड न्यूज. रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज रिमूव किरण बेदी एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी. तो तेलंगाना के जो गवर्नर है ना, तमिल साई सोंदराजन हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी. तो पुडुचेरी का एडिशनल फंक्शन किसे दिया गया? तो तेलंगाना गवर्नर को वहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया. ओके, अभी आप देखे होंगे कि गुलाम नबी आज़ाद जो ऑपोजिशन के मेंबर थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे इन द राज्यसभा, तो वो क्या हो गया? वो तो रिटायर हो गए. तो मलाइका अर्जुन खाड़गे टू रिप्लेस गुलाम नबी एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा. रिसेंटली कांग्रेस सजेस्टेड वेटरन पार्टी लीडर मलाइका अर्जुन खाड़गे फ्रॉम कर्नाटका नेम्ड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा फॉलोइंग द एग्जिट ऑफ अनदर वेटरन गुलाम नबी आज़ाद जो कि जम्मू कश्मीर से. पार्लियामेंट पासिस पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020. रिसेंटली द पार्लियामेंट हैज पास द पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 एंड फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज असेंट. तो यहाँ पे क्या है कि वही मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल इस चीज को से रिलेटेड ये बिल है. द बिल इम्पावर्स मेजर पोर्ट टू परफॉर्म विद ग्रेटर इफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ फुल ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड बाय मॉडर्नाइजिंग द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. देन वेस्ट बंगाल CM लॉन्चेज मा स्कीम. तो अब आपसे पूछा जाएगा ना कि मा स्कीम, इसी तरीके से हम लोगों ने एक अम्मा से रिलेटेड एक न्यूज कवर किया था, तो दैट वॉज फॉर तमिलनाडु जयललिता, और ये मा स्कीम है वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हैज लॉन्च्ड द मा स्कीम टू प्रोवाइड मींस एट अ नॉमिनल कॉस्ट टू पुअर पीपल. टोटल आउटले इसका कितना है? 100 करोड़ है. गवर्नमेंट विल बियर द सब्सिडी ऑफ ₹15 पर प्लेट, अ प्लेटर ऑफ राइस दाल एंड वेजिटेबल एंड एक करी. तो देखिए क्या क्या दिया जाएगा, चावल दाल एक सब्जी और एक करी. कितने में दिया जाएगा? ₹5 में दिया जाएगा. तो चलिए वेस्ट बंगाल का टिकट कटाइए मा स्कीम के लिए. ओके, सो दिस वॉज ऑल द न्यूज रिलेटेड टू फेब मंथ जो हम लोगों ने कवर किया. हम लोग कुछ MCQ से रिलेटेड कवर करते हैं. इसका PDF पूरा आपको फेब मंथ का PDF भी मिला है? नहीं मिला है? फेब मंथ का पूरा PDF मिल चुका है आपको? Yes, sir, yes. मिल चुका है ना? Yes. चलिए ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. कौन सा क्वेश्चंस कर रहे थे? यस सर, ये लास्ट वाले नहीं मिले हैं, बाकी मिला पूरा कंप्लीट नहीं है. जो आज पढ़ाया नहीं, ये नहीं मिला. अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उसी में आज मिल जाएगा. ऐसे मैंने भेज दिया था, ये सब भेज दिया था, मैं एक बार चेक कर. ये उसी में सारे मिला है सर. मिला है, वही कह रहा हूँ, ये मिला होगा. अलग 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 कैसे हो सकता है, एक ही साथ होगा ना. चलिए अब क्वेश्चन को कुछ करते हैं फटाफट. चलिए मैं फिर से रीसेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. बस याद दिला दीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ, दिक्कत यही है. मुझे भेजने में कोई दिक्कत नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ. चलिए आंसर बताइए इसका.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कुछ भी पढ़ा न्यूज में, चलिए एक बार देखिए, तीनों ऑप्शन को देखिए, पढ़िए और सोचिए क्या आंसर हो सकता है. क्या होगा इसका आंसर? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. चलिए अब ये न्यूज में था, इससे रिलेटेड न्यूज क्या था कि जो एलपीजी स्कीम है ना वो 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज को एक्सटेंड किया गया, नॉट 5 करोड़. ये 8 करोड़ के लिए तो था ही, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था जो स्कीम आया था इट वाज फॉर 8 करोड़. ठीक है, अब 1 करोड़ एडिशनल यहाँ पे एक्सटेंशन किया गया है. तो देयर इज अ टारगेट ऑफ एलपीजी स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू कवर 5 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज को, नो टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज इसको एक्सटेंड किया गया अंडर द बजट. तो 1 गलत हो गया, 1 गलत मतलब ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं. तो 3 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है, तो क्या 2 करेक्ट है? अंडर दिस स्कीम ही, तो स्कीम का डेफिनेशन ही बता रहा है कि स्कीम में द एप्लीकेंट्स मस्ट बी अ वुमन एज 18 एवर इयर्स एंड सी मस्ट आल्सो बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो 2 तो करेक्ट है. तो 2 एंड 3, एलिजिबल वुमन शुड बिलोंग टू अ फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड नो वन एल्स फ्रॉम द हाउसहोल्ड शुड ओन एन एलपीजी कनेक्शन. अगर उनको किसी भी उस फैमिली से किसी को एलपीजी कनेक्शन मिला हुआ है तो फिर उनको नहीं मिलेगा. ठीक है, और ये क्यों आया था, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्यों आया था? टू स्टॉप अनक्लीन फ्यूल, ताकि क्लीन कुकिंग फ्यूल को यूज किया जा सके, क्लीन कुकिंग फ्यूल को यूज किया जा सके. चलिए ये सब फेब मंथ का है ना, तो फेब मंथ में ये सब काफी न्यूज में था. बजट में क्या अनाउंस किया गया, किस तरीके का टैक्स प्रपोजल आया था, तो उन सब से रिलेटेड एमसीक्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए बताइए, अगर आप लोग थोड़ा भी न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे ना तो आप लोग ये सब चीज बता देंगे, क्योंकि सब इजी है, ज्यादा टफ नहीं. चलिए देखते हैं क्या था टैक्स प्रपोजल अंडर बजट 2021-22. नो आईटी फाइलिंग फॉर पीपल अबव 70 इयर्स, नो दिस इज रॉन्ग, दिस वाज अबव 75 इयर्स हु गेट पेंशन एंड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स. जिनको पेंशन वगैरह मिलता है, जो डिपॉजिट से इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो लोग अगर 75 इयर्स प्लस के हैं तो उनको आईटी फाइल करने, इनकम टैक्स फाइल करने की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये 70 इयर्स के लिए रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, 75 प्लस इयर्स के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है. अब देखिए, सही बात है, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सर ये 2 कैसे हो सकता है, कि ड्यूटी सोलर इन्वर्टर्स रेज किया गया है 5% to 20%. मुझे भी समझ नहीं आया था कि किस तरीके का बजट पेश किया गया, कि यहाँ पे सोलर लैंप वगैरह इन सब चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है और उस पर भी ड्यूटी रेज कर दिया गया है.
मतलब 5% से बढ़ा के 20% कर दिया गया सोलर इन्वर्टर पे, और सोलर लैंटर्न्स पे 5% से बढ़ा के 15% कर दिया गया। ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है, यही बजट में बोला गया है। एंड कॉम्प्लायंस बर्डन ऑफ स्मॉल ट्रस्ट व्हिच एनुअल रिसीट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़ टू बी ईज। तो जो कॉम्प्लायंस होता है ना, तो जो छोटे ट्रस्ट हैं जिनका 5 करोड़ से ज्यादा एनुअल रिसीट नहीं होता है ना, तो उनको उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है कॉम्प्लायंस के लिए। तो ये जो था ना, ये काफी कंफ्यूजिंग था, ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स रेज्ड फ्रॉम 5% टू 20%, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और सोलर लैंटर्न्स पे 5% से 15% बढ़ा दिया गया है। तो आपका गलत क्या है, वन गलत है, तो वन के कारण क्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए पढ़े हुएगा बहुत बार, ये सब न्यूज में है, ये सीविड पार्क, ये सब काफी इम्पोर्टेंट है, ये सब न्यूज में भी था। चलिए आप लोग आंसर इसका नहीं कर पा रहे हैं, बट ये सब आंसर करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों इसमें करेक्ट है। देखिए थर्ड देखते हैं, 5 मेजर फिशिंग हब के बारे में बात किया गया बजट में। अब आप लोग बताइए ये 5 मेजर फिशिंग हब कौन कौन सा है। तीन तो यहाँ पे लिखा गया है, चेन्नई, कोची एंड पारादीप, तीन तो यहाँ पे लिखा गया है, दो और कौन सा है। चलिए सर, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, अरे वंडरफुल, विशाखापट्टनम, बिटूघाट। तो ये तो आपका 5 मेजर फिशिंग हब के बारे में बात किया गया आपके बजट में, ठीक है। अब मल्टीपर्पज सीवीड पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु, इस चीज को फोकस किया गया है। सीवीड पार्क, सीवीड पार्क क्या होता है, जहाँ पे सीवीड कल्टिवेशन होता है ना, हार्वेस्टिंग होता है, उसी को बोलते हैं सीवीड पार्क। अब ये सीवीड क्या है, किस चीज का सर आप कल्टिवेशन और हार्वेस्टिंग बता रहे हो? जो एल्गी, मैरीन एल्गी और प्लांट्स होता है ना, जो मैरीन प्लांट्स होता है, या जो एल्गी होता है, इससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस चीज को वहां पे एस्टेब्लिश करने का बात किया गया है, कि एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क को एस्टेब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द ई नैम मार्केट प्लेस। अब 1000 मोर मंडीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है कहाँ पे, ई नैम। ई नैम का फुल फॉर्म क्या है, नैम का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यहाँ पे 1000 मोर मंडीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है ईनैम में। तो ये बजट का प्रपोजल था, ठीक है। ये सीवीड पार्क आपसे डायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि इन द बजट अ मल्टीपर्पज सीवीड पार्क वाज प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो दिस स्टेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। ये काफी रिच होता है इस तरीके से।
प्लीज सर क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करिए सर, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, मैंने बोला था ना अभी कुछ रेडियो से रिलेटेड हमने कवर किया था, मैंने बोला था ना कि इस पर अभी एक एमसीक्यू करवाऊंगा मैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप यही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप वंस कंप्लीटेड, दिस इज करेक्ट। इसका एम क्या है, टू स्टडी द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मिक मैग्नेटिज्म, डार्क एनर्जी एंड इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व हुआ है, ये कॉस्मिक मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये डार्क एनर्जी क्या है, इन सब चीजों पे इस चीज को स्टडी करना, इसलिए ये एक एरे ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारा ऐसा स्टडी सामने आएगा जिसके थ्रू जो भी अनसॉल्व क्वेरीज है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और क्या इंडिया इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इंडिया बिल्कुल इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसका आंसर मुझे बताइए, इन विच मिनिस्ट्री डज द डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी कम्स, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सब कौन होल्ड करता है इस तरीके का। तो डी 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। वंडरफुल, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीसेक, काफी प्यारा क्वेश्चन है। और ये न्यूज में क्यों था, ये आरबीआई ने बोला था कि जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको भी डायरेक्ट एक्सेस किया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे वो भी डायरेक्टली ट्रेड कर सके। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी परचेज वगैरह होता है ना, ये सब लार्ज इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स एंड ऑल ये सब परचेज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट दिस स्मॉल इन्वेस्टर्स, क्या उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आरबीआई ने ये एक आर्टिकल आया था। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है, तो गवर्नमेंट को जब बोरो करना होता है, गवर्नमेंट को बोरो करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक सिक्योरिटी इशू करता है। जैसे सपोज करिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना डेफिसिट, तो इसमें हमने देखा था फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या था कि अगर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू वो लेट से 80 करोड़ है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर है 120 करोड़ है, तो गवर्नमेंट हैव टू बोरो 40 करोड़। तो अब ये इंटरनल बोरोइंग भी हो सकता है, एक्सटर्नल बोरोइंग भी हो सकता है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट बोरो करता है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट कैसे बोरो करता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है,
और इसको भी आरबीआई ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ही सेल करता है। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना लास्ट क्लास में, शायद ई कुबेर प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोगों ने कुछ स्टडी किया था, ई कुबेर प्लेटफॉर्म, तो वहां भी क्या होता है ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ही, ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ही यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट के पास 100 लेट्स यहाँ पे 40 करोड़ गवर्नमेंट को बोरो करना है, लेट्स से अगर 100 करोड़ गवर्नमेंट को बोरो करना है तो बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे लाइक बैंक्स, बैंक आ गया, LIC आ गया, ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। बैंक ने 10 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया, LIC ने 10 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी परचेज नहीं कर पाए तो क्या करता है आरबीआई खुद ही उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेता है। आरबीआई पहले सेल करता है, और जब बड़े इन्वेस्टर्स उसको परचेज नहीं कर पाते हैं, आरबीआई खुद ही उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है और उस पर क्या होता है वो इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं ये सब बिग इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब स्मॉल इन्वेस्टर्स के बारे में आरबीआई कुछ सोच रहा है। आरबीआई ने बोला कि सिर्फ बिग इन्वेस्टर्स ही क्यों, छोटे इन्वेस्टर्स भी होने चाहिए ना जो कि आके गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है कभी डिफॉल्ट नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही सिक्योरिटी होता है। अगर आप जैसे आपने अगर 1 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा या 50 लाख का खरीदा या 1 लाख का खरीदा, तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है इस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से अगर 5% 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर आप 1 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहे हैं जो, तो आपको क्या मिलेगा 8% ऑफ 1 लाख, दैट इज 8,000 रुपीज। तो 1 साल बाद आप उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेके जाएंगे तो आपका जो अमाउंट हो चुका होगा वो 1,08,000 हो चुका होगा। ठीक है, ये इसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है। जब गवर्नमेंट को बोरो करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है सिक्योरिटी इशू करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी, ये बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट को जब बोरो करना होता है तो ये तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट ही हुआ ना, डेट कर्ज वाला इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के लिए। जब आप गवर्नमेंट बोरो करते हो तो गवर्नमेंट तो अंडर डेट, डेट कॉम्प्लायंस के अंदर होता है, तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ट्रेजरी बिल्स आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स विच मैच्योर एनीवेयर बिटवीन 5 years and 40 years। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म होता है ना वो आपका क्या होता है विद इन 1 ईयर में ये मैच्योर होता है, विद इन 1 ईयर में। जैसे 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है और 364 डेज का होता है, और इसी को बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, इसी को बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। तो जो टी बिल्स आप लोग पेपर में देखते होगे ऐसे भी लिखा होता है टी बिल्स, तो ये सब जो भी टी बिल्स होता है ना ये सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये सब लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो गया, जो भी 1 साल से कम का बोरोइंग पीरियड होता है वो सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। और 1 साल से जो भी बात का होता है वो सब लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसको डेटेड सिक्योरिटीज के नाम से भी जानते हैं। ट्रेजरी बिल ये हो गया, उसको डेटेड सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेटेड सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। डेटेड सिक्योरिटीज क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो मैच्योर करता है इन मोर देन 365 डेज। लेस देन 365 डेज वो सारा टी बिल्स होता है, और जो 365 डेज से ज्यादा मैच्योर करता है वो सब क्या होता है डेटेड सिक्योरिटीज होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। लाइक बैंक फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट टैक्स फ्री, जिस तरीके से बैंक का फिक्स डिपॉजिट होता है उस पर भी टैक्स लगता है ना, जैसे वो तो आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ना, उस पर आप कुछ अर्न कर रहे हैं ना, तो अर्न कर रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स देना होगा ना। तो इन द सेम वे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके पास कोई आइडियल मनी पड़ा हुआ है तो आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर इनकम, वो आपके इनकम का पार्ट है ना। अगर आपने कहीं पे 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर इनकम, तो आपको उस पर टैक्स देना होगा, तो बिल्कुल देना होगा। तो लाइक बैंक फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट टैक्स फ्री, तो दिस इज करेक्ट कि वो टैक्स फ्री नहीं होता है। जिस तरीके से बैंक का फिक्स डिपॉजिट टैक्स फ्री नहीं होता, उसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी टैक्स फ्री नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 and 4, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर हम लोग चीज़ों को करें ना तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको बहुत सारे चीज़ पता चला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। सबको समझ आ गया, यस सर।
यस दर्शन योर आंसर वाज करेक्ट. सीधी सी बात है, ये देखिए एराविकुलम नेशनल पार्क ये कवर किया था. एराविकुलम नेशनल पार्क किस स्टेट में लाई करता है? एराविकुलम नेशनल पार्क लाइज इन विच स्टेट? केरला. केरला सर. केरला. केरला कैसे करेक्ट हो सकता है? केरला सर. केरला. तो क्या सर. तो क्या हो सकता है? टू तो करेक्ट है ही, टू तो करेक्ट है ही, क्योंकि वन तो रॉन्ग हो गया. तो वन रॉन्ग हो गया, बी और सी रॉन्ग हो गया, तो टू तो दोनों जगह है, तो टू तो करेक्ट है ही. तो अगर आपको ये नहीं भी पता है कि हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड इंटरसेप्टेड विद सोलाज, तो कोई दिक्कत नहीं है. थ्री, अन्नामूजी द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड हियर, तो थ्री इज ऑल्सो करेक्ट. तो डी बोथ टू एंड थ्री. इस तरीके से स्टेटमेंट को करेक्ट करते हैं. देखिए इतना आपको लग रहा था नहीं कि सर ये क्या है, ये सोलाज एंड ऑल पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन भी जो पूछता है ना वो भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के पूछता है, वो देखना चाहता है कि आपने थोड़ा भी पढ़ा है क्या. तो पढ़ा है तो आप बताओ ना आंसर. आप यहाँ पे 50-50 भी तो कर सकते हो. 50-50 तो हमेशा ही करना. अन्नामुडा इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में है. यस सर. ये शायद आपने एक बार पहले भी पूछा था. चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं. ओके, आपकी जो क्लास होगी पॉलिटी की वो हम लोग 8:15 में स्टार्ट करते हैं. 8:15 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, और कल आपकी क्लासेस ऑफ रहेगा. कल आपका क्लासेस ऑफ रहेगा क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है और कल मेरे घर में फेस्टिवल्स वगैरह है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है. तो कल आपकी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है? आज भी फेस्टिवल्स है बट स्टिल आज आपकी क्लासेस हो रही है और अभी 8:15 से हम लोग क्वालिटी का क्लास करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम लोग मिलते हैं 8:15 पे, ठीक है? क्योंकि आज आपकी शायद ये थी नहीं थी ना कॉपरेटिव की क्लास, तो इसलिए मैं 8:15 पे ले रहा हूँ, वरना मैं 8:30 पे नहीं लेता आपकी क्लास. अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो जाता तो मैं 8:30 पे लेता. आज आपका कॉपरेटिव नहीं था ना? ओके सर. ओके ओके चलिए. सो थैंक यू सर. इनका PDF भेजना सर, काइंडली सर. यस मैं भेज दूंगा मैं. अच्छा. Thank you, sir. Thank you.